प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसूर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था फॉर्म का समापन, ये यूनिट नंबर 4 फॉर्म का समापन, लेकिन उसमें फॉर्म के समापन का केवल अर्थ समझाया गया था। आज अपने पास अगला टॉपिक आता है फॉर्म के समापन के प्रकार, कि फॉर्म का समापन कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 के अनुसार फॉर्म का समापन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर फॉर्म का समापन किया जा सकता है, अर्थात फॉर्म का समापन हो जाता है, उन सभी परिस्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 के अनुसार जो भी परिस्थितियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, समझौते द्वारा समापन। नंबर 1 क्या है? समझौते द्वारा समापन। समझौते द्वारा फर्म का समापन। नंबर 2, देखिए समझौते द्वारा समापन क्या होता है कि जब भी फर्म के साझेदार आपस में एकजुट होकर के एक समझौते के रूप में फर्म का समापन कर सकते हैं, अगर वो फर्म साझेदारी फर्म का व्यवसाय आगे चालू नहीं रखना चाहते हैं तो सभी साझेदार एक मत होकर समझौते के आधार पर फर्म का समापन कर सकते हैं। नंबर 2 है अनिवार्य समापन। अनिवार्य फर्म का समापन, अनिवार्य रूप से फर्म का समापन करती है कि ऐसी परिस्थितियां जिनके आधार पर फर्म का समापन अनिवार्य रूप से हो जाता है। देखो, ये प्रकार हैं, प्रकार के नीचे इनके कंडीशंस भी आएंगी कि इनमें कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिनके आधार पर ये परिस्थिति लागू हो जाती है और फर्म का समापन हो जाता है। नंबर 3 है नोटिस द्वारा फर्म का समापन। नोटिस द्वारा फर्म का समापन। नोटिस द्वारा फर्म का समापन का अर्थ यह है कि अगर कोई ऐच्छिक साझेदारी है, देखिए साझेदारी के प्रकार तो यूनिट नंबर 1 में आए थे, तो यहां ऐच्छिक साझेदारी के आधार पर एक साझेदार अन्य साझेदारों को नोटिस दे करके और फर्म का समापन कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं नोटिस द्वारा फर्म का समापन। नंबर 4, न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। देखिए, ये क्या कंडीशन है? न्यायालय कोर्ट के द्वारा फर्म का समापन किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसके लिए कंडीशंस आएंगे। अभी कंडीशंस का अध्ययन हम करेंगे, एक एक टॉपिक को अभी हम पढ़ेंगे, उसमें आपके या जो भी कंडीशंस लागू होती हैं उन सभी कंडीशंस को आपको पढ़ाया जाएगा, तब पता लगेगा कि कौन सी परिस्थिति है उसके लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके आधार पर फर्म का समापन हो जाता है। नंबर 5, विशेष घटना के घटित होने पर फर्म का समापन। विशेष घटना के घटित होने पर फर्म का समापन। देखिए, ऐसी कौन सी घटना है जिसके घटित होते ही फर्म का समापन स्वतः ही हो जाता है, ये नंबर 5 कंडीशन है। तो इसे हमारे फर्म के समापन की परिस्थितियां थी, ये प्रकार भी कह सकते हैं और परिस्थितियां भी कह सकते हैं। ये 5 प्रकार से फर्म का समापन किया जा सकता है। ये 5 प्रकार जो हैं, ये परिस्थितियां भी हैं, इन परिस्थितियों के आधार पर फर्म का समापन किया जा सकता है। ये हमारे पास मुख्य परिस्थितियां हैं, अर्थात मुख्य प्रकार हैं। इन प्रकारों के नीचे अलग अलग परिस्थितियां और दी गई हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर पता चलता है कि कौन सी परिस्थिति के अनुसार फर्म का समापन हो रहा है।
इनमें जो अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं उन परिस्थितियों से पता चलता है कि कौन से परिस्थिति के आधार पर फॉर्म का समापन किया गया है, तो हम उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करेंगे।